रेडी हो गए? हैं? कहाँ जा रहे हो? स्कूल? अच्छा, गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग। अच्छा, बाय बोल दो। बाय, लव यू। थैंक फ्लैंग किस कर दो, तो मैं ब्रेक कर मिलती हूँ बोल दे। अच्छा बाय कर दे। अच्छा बाय कर दे। बाय। निशा का हमारा फैन ब्लॉग की तरफ से आपको गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? आई होप अपने घर में सब ठीक हैं, ठीक होंगे और आपका दिन शुभ मंगलम जाए और आपका दिन अच्छा जाए और आपका हमेशा घर में सुख रहे, सुख शांति रहे। तो बस दिन की शुरुआत कर रही हूँ, नहाई धोई हूँ, अपना जो वो जलाई है, परी को रेडी करके स्कूल छोड़ा ही हूँ। अब सुनील जी अपना उठ के नहा रहे हैं, धो रहे हैं अपना, फिर उनका नाश्ता बनाती हूँ। आज क्या खाते हैं पूछ के बताती हूँ, सुनील जी से पूछ के क्या खाना है। तो फिर उसके बाद अपना डस्टिंग वस्टिंग करूँगी, आज कपड़े भी अपनी वॉशिंग मशीन लगाने हैं, वॉशिंग मशीन लगा के फिर अपना नाश्ता बनाऊँगी। नाश्ता बनाने के बाद तो आज बनाऊँगी आ सकते हैं माँ चने की दाल खानी है, तो आज माँ चने की दाल बनाऊँगी लंच में। और देखो साथ में रोटी खाते हैं, घी चावल खाते हैं। गाइस कोशिश तो मैं ही करूँगी, रोटी बनाऊँगी। आपने कहा चावल कम ही खाया करो, तो सुनील जी भी अब आज का कहना चावल कम ही दिया कर, तो फिर भी पूछ लूँगी सुनील जो खाएंगे तो मैं वही बनाऊंगी। दाल तो सबके लिए बना ही दूंगी, अब बना के घर रख के फिर अपना देखती हूँ दोपहर में रोटी खाने के चाह रहा है। तो मिलते हैं आपको माँ चने की दाल के साथ। भाई क्या कर रहे हो? आपका स्कूल है? ये तो मेरा स्कूल है। परी को है? परी भी मम्मी भी पढ़ ले आपके स्कूल में? मैं आप पढ़ोगे? अच्छा एक बार हेलो गाइस बोल दो बेटा। हेलो गाइस। काम खराब हो जाएगा। काम खराब हो जाएगा? नहीं होगा, मम्मी ठीक करवा देगी, ठीक है? अच्छा हेलो गाइस बोल दो। मम्मी रोएगा नहीं? नहीं नहीं रोएगा। अच्छा हेलो गाइस बोल दो। हेलो गाइस बोल दो। अच्छा लव यू बोल दो। काम करते जाएगा। लव यू बोल दो। लव यू। काम काम मम्मी आपको करा देगी, होमवर्क करा देगी, ठीक है? हेलो गाइस बोल दो। बैग मैंने आपका ले लिया, चलो अब घर चलो, छुट्टी होगी आपकी। तो गाइस देखिए स्कूल लेके लेने के लिए आई हूँ, घर जाने का नाम नहीं ले रही, मेरे को झूला झूल रहा है, इसका स्कूल में इतना मन लगा। चले जी। क्या हाल है आपके? बढ़िया। आज बनाइए माँ चने की दाल और साथ में रोटी और साथ में चावल। सबके लिए बना दी, नीचे भी दे आई। आज ना चलिए, मिर्च थोड़ी ज्यादा लग रही है। नहीं मिर्च ज्यादा नहीं, मेरा मुंह आ गया। मिर्च तो मैंने कम ही डाली, जितनी मैं डालती उतनी डाली है। मेरे ना मुंह में हो रहे हैं छाले। कुछ कुछ शिकंजी बना दो साथ में। मैं खा लेने छाले हो रहे, कल रात से ना पता नहीं क्या खा लिया, कुछ गर्म खा लिया आपने। कैसे बने? सही बने। आप भी खाइए गरम गरम। आप भी खाइए और दाल चावल रोटी के आनंद लीजिए। सबसे बढ़िया खाना दाल चावल और रोटी, माँ चने की दाल, शुद्ध शाकाहारी खाना, घर का खाना, निशा के हाथ का खाना। सही लग रहे हैं? परी को टेस्ट लग रहे हैं। चलो ठीक है। पहले मुझे ये बताओ, ये शूज आपको दर्द तो नहीं हो रहा? आपको स्कूल शूज में दर्द हो रहा है? हैं? चल के दिखाओ मेरे को इसमें। दिखाओ दिखाओ, पीछे आओ, यहाँ चल के दिखाओ, दिखाओ, वापसी आओ बेटा, वापसी आ जाओ। सही है, ले लूँ शूज? ले लूँ, डाल जाओगे? दिखाओ जरा पैर, दिखाओ मुझे। भैया डल जाएंगे ना पक्का, देख लो स्कूल में, स्कूल में डल जाएंगे ना शूज। हाँ, ये स्कूल में चलेगा, बेफिक्र रहो। हाँ? स्कूल में चलेगा ये। कितने का है? ठीक है परी, कल आप स्कूल ये शूज डाल के जाना। ये भैया 300। ओके ओके, 300 बोल दे भैया को, पैक कर दो, बोल दे क्या मेरे वो शूज पैक कर दो स्कूल के। जोर से बोलना, आवाज कहाँ गई? आपका शूज भी पैक हो जाएगा। जोर से बोल। काम कर। हेलो, चलो अब शूज आपको मिल गया आपके, अब बाय कर दो भैया को। क्या भैया मैं अब घर जा रहा हूँ, बाय करो।
पैसे तो दे जा उसके शू के। भैया को पैसे मांग रहे, पैसे तो दो भैया को। पैसे कौन देगा? बोलो पैसे पापा देंगे। कौन देगा? डैडी देंगे। हेलो सुनील जी। हाँ जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। आज तो तुम्हारी गिल्ली ने मेरी जान सुखा दी। मेरे शूज गिल्ले हो गए। मेरे शूज गिल्ले हो गए। अरे भाई कोई नई चीज लेता, पागल लगती पूरी तरह लड़की। भाई ऐसे शूज हमारे जमाने में तो चला ही नहीं करते थे, तो मैं आज देखा भाई। ये 2021 का मॉडल है, तुम 1980 का मॉडल हो। हमारे जमाने में बेचारे सिंपल से शूज चला करते थे, पापा लेके देते थे हमें, चलो भाई चलो लेडीज वाले। अब इनके चिपकाने वाले आ गए। मैं कह रहा भैया ये स्कूल के शूज है। मैं कहा नहीं भाई ये स्कूल के नहीं है। मैं कहा अच्छा भाई कोई दिक्कत होगी तो मैं चेंज करा लूँगा। कह रहा भैया हम कह रहे स्कूल के लिए। वही कह रहा हूँ अब ट्रेंड चेंज हो गया, हमारे ज़माने में कुछ और थे। पल्ली और जब से आइए शूज उतार नहीं रही है। दिखाइयो परी। दिखा दे मम्मी को, दिखा दे। दिखाइयो, मैं तो देखे भी नहीं। जा शूज दिखा दे मम्मी को। पापा भाई क्या कमर सा आया पे, नंबर कमर सा आया। गाइस ने इतना लाइक करा, आप हमें भी इतना लाइक नहीं करते जितने पापा को लाइक करते हैं। कह रहे हैं सुनील जी के और मन्नू जी के बड़े ब्रदर लगते हैं, फादर तो लगता ही नहीं है। कह रहे हैं उनको नजर ना लगे किसी की, ना लगे किसी की। थैंक यू गाइस। इतने स्मार्ट है, इतने हैंडसम है सुनील और मन्नू जी से आ गया नंबर वन का पापा। कह रहे बड़े भाई, कह रहे बड़े भाई लग रहे हैं, फादर लगता ही नहीं है। थैंक यू सो मच। और सब ने बर्थडे किया है विश आपको। कह रहे हैप्पी हैप्पी बर्थडे जी। ये गाइस की नजरों का कमाल है भाई। नहीं नहीं सबने आपको किया विश के बहुत मैसेज आए। थैंक यू गाइस। तो सो गाइस ऐसे हमारे साथ आप प्यार जोड़े रखिए, अपने चैनल पे भी, हमारे पे भी, और पापा पे मम्मी से सबसे प्यार जोड़े रखिए। और ऐसा हमें अच्छा लगेगा, हमारा दिल बहुत खुश हुआ, पापा का भी दिल बहुत खुश हुआ कि आपने सबने विशेस दी है पापा को हमारे। तो अगले साल तो धूमधाम गाय। इस साल तो हमने ज्यादा से पापा का जो बर्थडे है हमने ज्यादा कुछ खास नहीं मनाया, लेकिन नेक्स्ट ईयर बड़ा धूमधाम से बनाएंगे और आपको हम दिखाएंगे। और पापा ने और यंग लगेंगे। अरे हमारे फादर जो है ना एवरग्रीन है, इसलिए जीवन का कुछ पता नहीं है सिस्टम क्या हो गया। कोई बात नहीं, सब जीवन दुनिया में जो आया वो जाने, जो आया वो तो जाने, ये तो हकीकत है। आज नहीं तो कोई नहीं, ये तो पता है। जो जीना हंस हंस के चलो, ये सोच के चलो हम आज है कल का पता नहीं क्या होगा। मैं तो अपनी लाइफ से इतना खुश हूँ कि मैं कहता हूँ शायद ही कोई इंसान ना हो। कुछ गाइस की वजह से खुश हो गए। सबके मैसेज आ रहे हैं कि इसकी आपके फादर को किसी की नजर ना लगे। पापा नजर तो काला टीका लगा देना मम्मी का, ठीक है? क्या करो डैडी बैठी तुम। अच्छा पहले बोलो, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। बोलो बोलो पहले बोलो, हम होंगे कामयाब। बोलो पहले बोलो, हम होंगे कामयाब। यार ये कैसे मैं सिखाऊं, मुझे समझ नहीं आती भाई। अभी इतनी बड़ी का है वो, ये तो सीरियसली मेरी बात को लेती नहीं है। तुम सीरियस होते नहीं हो। ये देख तुम पहले बोलो ना, हम होंगे कामयाब। तुम स्टडी में उससे मजाक करते रहते हो, सीरियस होते ही नहीं। हाँ एक दिन है मन में है विश्वास। बोलो बोलो नहीं फटेगा। अब मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। बोलो उसको नींद आ रही है सुनील जी। हम होंगे कामयाब एक दिन। क्या हेलो गाइस, हाउ आर यू, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बस अभी खाना वाना खाया, परी को होमवर्क करवा रहा था, और परी तो भाई मेरी तो समझ से बाहर है इसको तो पढ़ाना। तो कहता कुछ हूँ करती कुछ है, मैं बोलूँ ऐसे बोलो वो कहेगी ऐसे करो। थोड़ी बच्ची है, थोड़ा बचपन आया थोड़ी बड़ी हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी ना, 5-6 साल की हो जाएगी, फिर थोड़ा समझदार। 4-5 साल की हो जाएगी फिर बड़ी हो जाएगी, समझदार। अभी तो बस इसको ये पता है, सारी चीजें फाड़ फूड देते हैं। अभी तो इसको ये पता है जो किताबें हैं जो पेन है वो इसके लिए खिलौना है, बस खेलना है इसको, इसको फाड़ना है, उसको लिखना है, उसको चर करना है, बस ऐसे अभी तो इसके लिए यही है बस। तो मैडम आज मैडम भी बोल रही थी, कह रही है इसका होमवर्क नहीं, होमवर्क कराता हूँ रोज,
और रोज का होमवर्क भी कराता हूँ, पर फिर भी मैडम कह रही कि आपने ये क्या किया सुनील, हाँ किताब डायरी फाड़ दी, इसने क्या करा जो स्कूल की थी डायरी, पता नहीं क्या स्कूल में फाड़ दी, क्या कर रही है और हमें पता नहीं चला, और मैडम कह रही इसने डायरी फाड़ दी अपनी, आप दोबारा परचेज करो, पता ही चलता, फिर आप दोबारा परचेज करिए इसकी डायरी, तो कोई बात नहीं चलता रहेगा, तो स्कूल का काम नहीं है, बच्ची अगर बड़ी हो जाएगी तो समझदार हो जाएगी। तो निशा कल मैं फ्री हूँ दोपहर को, तो चलना है फिर चलो ना, ले दो वेस्टर्न ड्रेस वगैरह ले दो चलो। तो गाइस कल निशा को, कल निशा को शॉपिंग करानी है धमाकेदार, तो गाइस कह रहे हैं वेस्टर्न पहनो, टी शर्ट पजामा छोड़ दो, नाइट सूट छोड़ दो पहनने, तो फिर तो मैं जीन्स उसमें रहूँगी भाई, घर में तो नाइट सूट पहनेगी, जीन्स वीन्स कहाँ पहनेगी, मैं कोट सेट ले लूँगी ना घर के। चल देखते हैं क्या समझ आता है, मार्केट में चलेंगे फिर देखेंगे, ठीक है कल दोपहर को तैयार होगी और स्कूल से आएगी ना फिर चलेंगे, फिर तक देख देता हूँ। तो गाइस इसी के साथ आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग में, तो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे व्यूज़ दीजिए, तो कल आपको निशा वेस्टर्न लुक में दिखेगी, बताइए कमेंट्स में गाइस मेरे पे कैसा लग रहा है, और कमेंट्स अच्छे अच्छे लिखना, और मिलती हूँ कल आपको न्यू ब्लॉग में, तब तक बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।